ICNG की बैजिंग भी आए हाय हाय ICNG नो कॉम्प्रोमाइज CNG व्हाट अ CNG। हाय गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू चैनल। गाइस, आपके लिए पंच ही पंच खड़ी कर दी है और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ CNG के अंदर सबसे सस्ता वेरिएंट टाटा पंच का, वो है भाई बेस वेरिएंट। सबसे पहले तो ये बूट स्पेस देख लो, क्या जबरदस्त यहाँ पे इन्वेंशन किया टाटा मोटर ने, बूट स्पेस बढ़ा दिया है। 210 लीटर का CNG होने के बावजूद भी मिल जाता है और इस तरीके की मिल जाती है चाबी, जिसके अंदर आपको कोई सेंट्रल लॉकिंग नहीं है लेकिन अंदर से सेंट्रल लॉकिंग काम करती है। कैसे करती है वो मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही जबरदस्त चीज है वो भी। और हाँ, बेस वेरिएंट होने के बावजूद भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है टेलगेट रिलीज बटन। अब भाई ये ऑन रोड कितने की पड़ती है, ऑन रोड की बात करता हूँ मैं ज्यादा, इनमें RTO में कितना खर्चा लग गया, टैक्स कितना लग गया, इंश्योरेंस कितना लग गया, उसमें ज्यादा नहीं पड़ता हूँ। सिंपल शॉर्ट वीडियो रखता हूँ जिससे समझने वाले को एक मिनट में समझ में आ जाए और ज्यादा टाइम वेस्ट ना उनका हो ना मेरा हो। तो भाई इस तरीके की चाबी जो आपको मिलती है ये ऑन रोड कीमत के साथ मिलती है 8 लाख रुपए, यानी कि टाटा पंच प्योर बेस वेरिएंट आपको 8 लाख रुपए का ऑन रोड पड़ता है। फिर भी अगर किसी के चूल है भाई कितने की एक्सोरूम है, तो भाई 7 लाख 10-20 हजार रुपए के आसपास आपको एक्सोरूम मिलती है और 8 लाख की पूरी आपको नेट ऑन रोड CNG में पड़ जाती है। ये प्रैक्टिकल 5-स्टार रेटेड CNG वाली मिनी SUV स्टांस के साथ मिलने वाली गाड़ी। अब इसका मेन डायरेक्ट जो कंपटीशन है वो है भाई Hyundai Exter में, और इसमें क्या फर्क है, तो उसमें आपको खास करके बूट स्पेस नहीं मिलता, इसके अंदर आपको बूट स्पेस देखने के लिए मिल जाता है लेकिन उसका इंजन थोड़ा सा रिफाइंड है, इसमें थोड़ा सा इंजन में नॉइस है, इतना ही फर्क है। और लेकिन मजबूती के मामले में कोई कंपैरिजन आप कर नहीं सकते, ना आज ना कल और ना परसों, क्योंकि भाई ये है 5-स्टार रेटेड CNG वाली गाड़ी। अब ये क्योंकि 8 लाख रुपए में आपको ऑन रोड मिलती है तो इसमें ज्यादा फीचर्स तो आप एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि ये गाड़ी ही उन लोगों के लिए है जो कि ज्यादा चलाते नहीं है, ज्यादा फीचर्स उनको चाहिए नहीं है, एक मजबूत सी गाड़ी कम प्राइस बजट में आपको देखने के लिए मिल जाए, तो ये उस टाइप की गाड़ी है। ये कौन सी टाइप की गाड़ी है ये मैं अलग वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आपको शॉर्टली बता दूं क्योंकि मैंने उसकी वीडियो बना रखी है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। ये है प्योर वेरिएंट से ऊपर का वेरिएंट जिसका नाम है एडवेंचर, यानी कि प्योर है ये उससे ऊपर वाला एडवेंचर है। इसके ऊपर एडवेंचर रिदम भी आता है, उसके ऊपर अकॉम्प्लिस भी आता है, बहुत सारे वेरिएंट, यानी कि 4-5 वेरिएंट CNG में आती हैं। बेस वेरिएंट से ये इसके ऊपर वाला वेरिएंट जो CNG में आती है वो मिलता है 90,000 रुपये महंगा, यानी कि ये 8,90,000 रुपये का आपको ऑन रोड पड़ता है। इसमें फीचर्स थोड़े से एक्स्ट्रा मिलते हैं लेकिन अगर मुझे खरीदना हो तो मैं इस वेरिएंट को भी नहीं खरीदूंगा, क्योंकि इसके अंदर आपको छुटकू सी स्क्रीन मिलती है इसके ऊपर, यानी कि 35,000 रुपये, और अगर आप एक्स्ट्रा दे देते हैं तो इसका यानी कि एडवेंचर का रिदम पैक मिल जाता है जिसके अंदर आपको 7-इंच वाली टच स्क्रीन मिलती है, कैमरा मिल जाता है और साथ में आपको 2 ट्विटर्स भी एक्स्ट्रा देखने के लिए मिल जाते हैं। खैर, इस वीडियो में मैं सबसे बेसिक वेरिएंट की बात कर रहा हूँ जिसके अंदर आपको फीचर्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप 8 लाख रुपए दे रहे हो। 8 लाख रुपए में आपको आगे की 2 पावर विंडोज तो जरूर मिल जाएगी, इसके अलावा कोई भी दूसरी पावर विंडो या फिर ORVM को एडजस्ट करने का या फिर फोल्ड करने का कोई बटन आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगा। दिल छोटा मत करो क्योंकि भाई आप पैसे भी कम ही दे रहे हो। यहाँ पे आपको मैं दिखा दूं तो इस तरीके की चाबी लगती है और इस तरीके का आपको देखने के लिए मिल जाता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। यहाँ पे आपको CNG की बैजिंग ऊपर की तरफ देखने के लिए मिलती है, पेट्रोल की यहाँ मिल जाती है और कुछ एक फीचर आपको यहाँ पे जैसे ट्रिप मीटर A, ट्रिप मीटर B, CNG लो फ्यूल वगैरह ये सारे वगैरह देखने के लिए मिल जाते हैं। जब आप इसको पेट्रोल में चलाओगे तो पेट्रोल की माइलेज भी शो करेगा। ठीक है, अब मैं आपको वो बता देता हूँ कि ये कैसे भाई अंदर से सेंट्रल लॉकिंग काम करती है। आप इसको दबाओगे तो भाई सारे ही लॉक हो जाएंगे, देखो इस तरीके से, और जब खोलोगे तो थोड़ा सा इसको पुश बाहर की तरफ कर रहा है और ये बाकी वाले भी खुल जाएंगे। तो इस तरीके से इसकी सेंट्रल लॉकिंग अंदर से काम करती है, बाहर से आपको अंदर लगा के ये और इस तरीके से घुमानी पड़ेगी। ठीक है, वो भी मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या मैं अगर यहाँ से लॉक करता हूँ तो सारे लॉक हो जाते हो, होने तो चाहिए क्योंकि इसमें सेंट्रल लॉकिंग का प्रोसेस ये है। अब मैं अंदर से उसको चेक करता हूँ, क्या ये कैमरे में दिख रहा है, आई थिंक दिख रहा है, यस। अब यस हो गया भाई लॉक, अब ना इससे खुलेगा ना इससे खुलेगा, ठीक है ना खुल रहा, और अगर साइड से देखें तो इससे भी नहीं खुल रहा है। हाँ, तो भाई सेंट्रल लॉकिंग आपको इस तरीके से देखने के लिए मिलती है पंच के प्योर यानी कि बेस वेरिएंट में। अंदर में फीचर्स मैं आपको जल्दी से कवर करके बता देता हूँ टाइम वेस्ट ना करते हुए। इस तरीके से भाई स्टेयरिंग मिलता है लेकिन ये टिल्ट फंक्शन के साथ मिलता है, आप इसको इस तरीके से ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हो। बेस वेरिएंट में आपको एडजस्टमेंट मिल रही है चाहे टिल्ट ही है, बढ़िया है। आपको गियर नॉब भी बिल्कुल बेसिक मिलती है लेकिन अच्छी बात ये आपको यहाँ पे एयर कंडीशनिंग मिल जाती है और इलेक्ट्रॉनिक स्टेयरिंग यानी कि अपना वो एक उंगली से घूमने वाला प्रोग्राम यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। प्रैक्टिकलिटी के मामले में अगेन मिनी SUV तो आपको कोई शिकायत होने वाली नहीं है। यहाँ पे आपको CNG का बटन है, यहाँ पे आपको हेडलैम्प से रिलेटेड कंट्रोल है, यहाँ पे आपको वाइपर से रिलेटेड कंट्रोल है और आपको इस तरीके का मिलता है डैशबोर्ड का डिजाइन। अब ये जो क्योंकि बेस वेरिएंट है तो आपको यहाँ पे बेज कलर का एक चौड़ी सी पट्टी देखने के लिए मिलती है, इससे ऊपर जब आप जाओगे तो थोड़ा सा लाइट ग्रीन से कलर का टेक्सचर, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अच्छी बात ये है कि आपको जो यहाँ पे ग्लोव बॉक्स मिलता है वो काफी प्रैक्टिकल है, बड़ा सारा है और काफी सारा स्पेस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है, ये बढ़िया चीज है। डुअल एयर बैग, ABS, EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर, वो फीचर्स तो देखने के लिए मिल ही जाते हैं। यहाँ पे आपको टिकट होल्डर है, यहाँ पे आपको सनवाइजर है और कुछ भी नहीं है। पीछे की तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आपको फ्लैट फ्लोर देखने के लिए मिल जाता है
और यहाँ पे आपको पार्सल शेल्फ भी देखने के लिए मिल जाती है। 3 पॉइंट आपको सीट बेल्ट मिल जाती है, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट है, पीछे की तरफ आपको गिरारी घुमानी पड़ेगी इस तरीके से इसको ऊपर या फिर नीचे करने के लिए। आगे की तरफ आपको यहाँ पे पावर विंडो वगैरह देखने के लिए मिल जाएगी। ये छोटी सी वीडियो है, मैं ज्यादा टाइम लगाना नहीं चाह रहा हूँ। बाहर की तरफ क्या कुछ देखने के मिलता है फटाफट से बता देता हूँ। पंच की बैजिंग है, टाटा का लोगो है, यहाँ पे सीएनजी की बैजिंग है, हाई माउंट स्टॉप लैंप भी देखने के लिए मिल जाता है, आईसीएनजी की बैजिंग भी आई हाई हाई ICNG नो कॉम्प्रोमाइज CNG वाटर CNG सारा बैजिंग वगैरह आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है पंच की यहाँ पे इस तरीके से। और क्योंकि भाई SUV स्टांस के साथ आती है तो चौड़ी चौड़ी सी ब्लैक कलर की क्लैडिंग आपको देखने में, क्लैडिंग तो क्या है, बम्पर ही सारा ब्लैक में है, बस यहाँ वाला पार्ट छोड़ दो, बाकी आपको ब्लैक में ही देखने के मिलता है। क्लैडिंग आपको चारों तरफ देखने के लिए मिलेगी इस तरीके से। टायर साइज अगर मैं बताऊँ, ये कौन सा टायर है भाई, एनर्जी ड्राइव, हाँ एनर्जी ड्राइव का आपको यहाँ पे टायर देखने के लिए मिलता है। और टायर का साइज 15 इंचज के हैं, 185/70 R15। तो ये आपको टायर साइज देखने के मिलता है, बेसिकली सीएट का टायर है ये, इसको आप हल्के में मत लेना। और साइड से आपको ये थोड़ा सा बुरा लगने वाला पोर्शन हो सकता है कि ये थोड़ा डोर हैंडल वगैरह आपका ब्लैक में है, पियानो भी नहीं है, और सेम इज़ द केस विद दी ORVM। लेकिन ORVM के अंदर आपको इंडिकेटर मिल रहा है, ये बहुत बढ़िया बात है। यहाँ पे आपको अपना इस तरीके से पायलट लैंप देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे आपको LED DRL वगैरह तो नहीं मिलेगी, यहाँ पे आपको मिल जाता है मेन हेडलैम्प, और ये आपका इंडिकेटर हो गया है। और आगे की तरफ इस तरीके की ग्रिल आपको देखने के लिए मिलती है जो कि बढ़िया लगती है, अच्छी लगती है, और फोग लैंप आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते नहीं हैं। ठीक है जी, ये मेरी छोटी सी वीडियो थी, अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट के साथ, तब तक अपना और अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, बाय बाय गाइज़।